Hello everyone, hope you all are well and having taking care about all the necessary and safety precautions. This is time, as you all are aware of pandemic disease and lockdown condition which are prevailing all over the country, all over the world. And do you know, most of the poor family still do not get enough food to eat. The people are helping each other, people to help them. People को help करना भी चाहिए, जो poor family हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों की help करनी चाहिए ताकि उन्हें food provide हो सके. और इस समय condition इतनी जो है वो worst होते जा रही है, poor peoples को enough food नहीं मिल पा रहा है. जैसे हम लोग अभी अपने चैप्टर्स में भी लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से ऐसे कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जब हमें इनफ फूड नहीं मिल पाता है. ब्रेन्स की प्रॉब्लम होती है, फूडिंग की प्रॉब्लम होती है. व्हाट आर द रीजंस, लेट्स सी व्हाट आर द रीजन. इन फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई टॉट यू अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज. Natural calamities like food and drought are natural calamities. क्या होता है जब हम लोगों के crops के लिए क्या ज़रूरी होता है, water की बहुत ज़रूरत होती है. Irrigation करने के लिए water की ज़रूरत होती है, लेकिन जब water बहुत excess amount में आ जाएगा तो food क्या होगा, जो क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं फील्ड्स में, जब एक्सेस इनफ अमाउंट में वाटर उसमें आएगा तो वो सारा क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है. और अगर वाटर नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है, ड्रॉट की प्रॉब्लम आती है. और जो फूड जो प्लांट्स होते हैं उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, जिसकी वजह से वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं. तो ये फ्लड एंड ड्रॉट दो मेन ऐसे रीज़न हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो नेचुरली होता है. इसमें ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फ्लड भी बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो उसमें ह्यूमंस तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ड्रॉट भी होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो उसमें भी ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते हैं. तो इन सब जो प्रॉब्लम्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट डिजीज़ हो जाते हैं. प्लांट डिजीज़ जब प्लांट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, कुछ उसमें इस तरह से बैक्टीरिया आ जाते हैं जिससे वो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है. तो ये सब भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के मेजर रीजंस हैं. इसके लिए क्या करना है, इसके लिए चाहिए कि जो क्रॉप्स हैं जो हो रहे हैं उन्हें इनफ अमाउंट में उसे उगाया जाए और उसे प्रॉपरली स्टोर किया जाए. ओके, तो सेकंड रीज़न इज़ ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स भी ऐसे हैं जो ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जिसकी वजह से पीपल को फूड प्रॉपर नहीं मिल पाती है. होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, सम शॉपकीपर्स हाइड एंड स्टोर फूड ग्रेन्स इन देयर गोडाउन्स. जो शॉपकीपर्स होते हैं वो फूड ग्रेन्स को अपने गोडाउन्स में हाइड करके रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. कौन सी कंडीशन में, जब प्रॉब्लम होती है मार्केट में फूड ग्रेन्स की, और जो भी हम लोग ईट करते हैं उसे किस तरह से रखा गया है, तो ये शॉपकीपर्स उसे छुपा करके रखते हैं ताकि जब क्राइसिस हो तो वो उसे अपने प्रॉफिट के हिसाब से ज़्यादा उसका रेट में उसे सेल कर सकें. तो दिस इज़ कॉल्ड होर्डिंग. ये तो हो गई होर्डिंग. देन आफ्टर दे सेल द फूड ग्रेन्स एट अ वेरी हाई प्राइस इन द मार्केट, दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग. वेन दे आर हाइडिंग द फूड, दिस इज़ कॉल्ड होर्डिंग. एंड आफ्टर टू दैट वेन दे आर सेलिंग
in a high price, it is called black marketing. Hoarding causes shortage of food in the market. Poor people cannot purchase food grains at high prices. जो गरीब लोग होते हैं वो जब हाई प्राइस हो जाएगा फूड्स का तो वो कैसे परचेज कर पाएंगे, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम की बात है. सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड. बोथ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर इलीगल एंड पनिशेबल बाई लॉ. करते हैं शॉपकीपर्स ऐसा, लेकिन अगर पकड़े जाने पर उन्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, मिलती है. तो अगर आप भी इस तरह का कोई सिचुएशन पता चलता है कि कोई ऐसा कर रहा है शॉपकीपर, तो आप उसकी जानकारी अपने नियर बाय जो भी पुलिस है, ठीक है, उन लोगों को बताइए, अपने पेरेंट्स के थ्रू, हेल्प के थ्रू. ठीक है, आप अकेले तो नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अभी बच्चे हो, लेकिन आपको तो अवेयर रहना है अभी से ही. ये सारी बातें तो आपको जाननी होगी. ओके, सो इट इज़ होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज. इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज, फूड ग्रेन्स दैट आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली गेट डिस्ट्रॉयड. This destruction of grains also leads to shortage of food. कभी कभी क्या होता है, food grains को properly store नहीं किया जाता है, तो वो पूरे जो store किए हुए food हैं वो spoil हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. इसका कारण कभी कभी ये होता है रेन की वजह से, बारिश की वजह से. जहाँ पर जैसे फूड स्टोर किया हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसके अंदर वो वाटर जब चला जाएगा तो जो फूड ग्रेन्स हैं वो सारे स्पॉयल हो जाएंगे, या उसमें उसकी प्रॉपर केयर ना होने की वजह से उसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स, कुछ फंगीज लगते हैं, जिसकी वजह से वो फूड ग्रेन्स जो स्टोर किया हुआ रखा हुआ है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है. तो इसकी भी ह्यूमंस को, जो जिनके अंडरटेकिंग में वो रखा हुआ है, ठीक है, उन्हें केयर करना चाहिए ताकि शॉर्टेज ऑफ फूड ना हो. पॉवर्टी. पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई फूड. Some of them get only one meal a day, so they suffer from malnutrition and starvation. गरीब लोगों को इतना भी फूड कभी कभी नहीं मिल पाता है कि वो दो टाइम ईट कर सकें. ठीक है, कितनी प्रॉब्लम की बात है हमारे कंट्री के लिए, या और भी जो इस तरह से कंट्रीज हैं जहाँ पे पुअर पीपल हैं और उन्हें खाना नहीं मिलता है. इतनी कंडीशन पुअर होती है कि वो सिर्फ फुल डे में एक टाइम का मील ही ईट कर पाते हैं. फुल डे वन टाइम मील ओनली. तो अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, तो अपने पेरेंट्स को भी आप ये सारी बातें शेयर कीजिए कि जो भी इस समय पुअर कंडीशन में है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी जो उनका अर्निंग का मेथड था, जो जिस तरह से वो पैसे कमाते थे, वो सारी चीज़ें भी स्टॉप हो गई हैं, बंद हो गई हैं. तो उनकी हेल्प करें, अगर आप कैपेबल हैं तो उनकी हेल्प करें. ठीक है, अगर आपके नियर बाय कोई ऐसा दिखता है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके उनकी हेल्प कीजिए. ओके, और मैल न्यूट्रिशन होने की वजह से क्या होता है, कई सारे डिफिशियंसी डिजीज़ भी हो जाते हैं. डिफिशियंसी डिजीज़ दैट मींस बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं. जब पीपल को फूड इनफ नहीं मिलेगा ईट करने के लिए, तो क्या होता है, वो दे आर सफ़र फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, एंड मैल न्यूट्रिशन लीड्स टू डिफिशियंसी डिजीज़. That are caused by lack of nutrients such as carbohydrates and vitamins. So in our diet
we should take this type of nutrients. ठीक है, हम लोगों को अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयोडीन, ठीक है, ये सारे प्रोटीन, तो ये सारे फूड आइटम्स लेते रहना चाहिए. तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, आई विल टीच यू अबाउट डिफिशियंसी डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय मैल न्यूट्रिशन. ओके, रिवाइज योर चैप्टर्स प्रॉपरली, बैक चैप्टर्स ऑल्सो रिवाइज इट. थैंक यू.